लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मुहर्रम अल हराम 2023 में भी रवादारी तहरीक मुल्क भर में रवादारी और अमन को बरकरार रखने के लिए एक पुरअमन मुहर्रम अल हराम मुहिम चलाई जा रही है, जिसके लिए तमाम शहरियों बिलखसूस सियासी समाजी और मजहबी शख्सियात से तआवुन दरकार है, ताकि मुहर्रम अल हराम का बाबरकत महीना अमन व सलामती का नकीब हो। इस सिलसिला में रवादारी तहरीक ने 17 जुलाई 2023 को लाहौर की कदीमी इमाम बारगाह करबला गाम शाह का खैर सगाली दौरा किया, जिसकी क्यादत चेयरमैन सैमसन सलामत ने की। कारवां में मुल्क की मारूफ मजहबी सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और मुहर्रम अल हराम के दौरान शहरियों से इश्ताल अंगेजी से परहेज करने और अमन अमान की फिजा बरकरार रखने की इस्तदा की। रवादारी कारवां में शामिल होने वाले मजहबी शख्सियात में रेवरेंड इमैनुअल खोखर, पास्टर सलीम खोखर, बिशप नदीम मसीह, सईद उकार हुसैन नकवी, प्रोफेसर कल्याण सिंह, पंडित भगत लाल खोखर, हाफिज मियां लियाकत, इलामा गुलाम अब्बास शिराजी और बिशप सिल्वेस्टर ताहिर भट्टी शामिल थे, जबकि समाजी रहनुमाओं में डॉक्टर आदुराम इकबाल मार्शल, शेख रियाज, प्रोफेसर सलीम आसिम, शाहिद रफीक, असमारा दाऊद, यास्मिन अनीस, डॉक्टर मनीर, इमरान गोरी, फाजल भट्टी, आमना मुगल और विक्रम मंजूर और दीगर ने शिरकत की।